फ़ोन मेरे ले लिए और जितनी भी मेरी मतलब जेब में जैसे कीज़ वगैरह ये सब, मैं ये झूठ कुछ नहीं बोलूँगा कि मेरा कुछ कैश, मैं कैश यूज़ करता ही नहीं हूँ सर बिल्कुल। तो हुआ क्या, इन्होंने मेरे वो सारा सामान ले लिया सो दैट मैं किसी को अप्रोच ना कर सकूँ, या मैं FIR या मतलब 100 नंबर पर कॉल ना करूँ, या मैं किसी अपने रिलेटिव को या अपने नियर डियर्स को कॉल ना कर सकूँ। आपकी गाड़ी कहाँ गई? सर मेरी गाड़ी वहीं पर खड़ी थी। हाँ, बिकॉज मैं जब मैं सामान लेने गया, मैंने अपनी गाड़ी वहाँ पार्क की, मैं वहाँ पर गया बाई लाइक इट वॉज हार्डली अ डिस्टेंस ऑफ नॉट मोर देन 50 meters। तो मैं वहाँ से जब मैं गया, मेरी गाड़ी वहीं पर रह गई। इन्होंने मेरे को अपनी ज़बरदस्ती में डाल के ले गए, इन्होंने अपनी गाड़ी में ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो थी, इन्होंने मेरे को उसमें अबडक्ट किया और मेरे को लेके गए। मज़े की बात यह है और हैरानगी की बात यह है कि जब इन्होंने मेरे को अबडक्ट किया और जहाँ पर मेरे को ये लेके गए वीरपुर में, इनका कोई वहाँ पर एक अपना कोई ऑफिस था, मतलब उस ऑफिस में ये मेरे को लेके जाते हैं। उस ऑफिस में बकायदा इन्होंने मेरे को बिठाया और इन्होंने फिर दोबारा मेरे साथ जो है वो बदतमीजी करना शुरू करी। देखिए आप समझ सकते हैं ना, लाइक वहाँ पे मतलब एक उन्होंने फिर दोबारा मेरे साथ मारपीट करना शुरू करी। जब इन्होंने मेरे साथ दोबारा मारपीट करी, 5 के 5 साथ में थे सर, ये 5 तो सिर्फ वो थे ना जिन्होंने मेरे को अपडेट किया। अच्छा। मेन तो आगे हुई कहानी आगे वहाँ, यस वहाँ पे इनके जहाँ पे भी इनका जो लोकेशन थी, जो इनकी उस लोकेशन पे इनके पास देर वर मोर देन 20 to 25 पीपल्स, उन लोगों ने बहुत बदतमीजी से ट्रीट किया मेरे को और उन्होंने मेरे को इलीगली डिटेन किया, उन्होंने मेरे साथ हाथापाई की, उन्होंने मेरे को मारा भी वहाँ पे। मारने के बाद मैं वहाँ पे बैठा हूँ, इन्होंने मेरे को एक कमरे में बंद किया और ये मेरे साथ आगे उस कमरे में। सर इन्होंने उस कमरे में एक तो ड्रग्स लिया और ड्रग्स लेने के बाद बारी बारी इन्होंने मेरे साथ बदतमीजी करी और मेरे ऊपर हाथ भी उठाया। आप देख रहे हैं न्यूज़ एयर इंडिया और मैं हूँ अरफाज़ अहमद डैंग। अभी हम पुलिस स्टेशन छन्नी हिम्मत के बिल्कुल बाहर हैं और यहाँ पर एक युवक हमारे से मौजूद हैं। रात के 10 बजने को हैं, वीडियो जब तक अपलोड होगा शायद 11 साढ़े 11 भी बज सकते हैं। क्या कुछ दिक्कतें परेशानियां इनको आ रही हैं, इन्हीं से बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? जय माता दी। सर मेरा नाम सर तरुण है, मेरा अपना ऑटोमोबाइल्स का बिज़नेस है, तो एक बड़े ही जिम्मेवारी से हम अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं। मैं एक एंटरप्रेन्योर भी हूँ, तो मेरा जो काम है मतलब एक गाड़ी मतलब गाड़ियों के काम में मैं डील करता हूँ, तो गाड़ियों की सर्विस मेंटेनेंस वगैरह का मेरा अपना काम है, जो मेरा प्रोफेशन है, जिस मैं जो काम करता हूँ। सर बात ये हुई है कि ऑन द इंटरवीनिंग नाइट ऑफ 29th यानी कि कल रात को आई वॉज कमिंग फ्रॉम अ पार्टी, वापस आते हुए मैं ऑन द वे हाईवे, क्योंकि मेरा वो रोड सेम रूट है मेरा, मैं वहीं रूट में वो एक्सेस करता हूँ क्योंकि ड्यू टू ट्रैफिक एंड ऑल मैं वहाँ से नहीं जाता हूँ, तो मैं यहाँ से चिनोर मेरा लाइक वर्किंग प्लेस है तो मैं वहाँ पर जाता हूँ। तो कल रात को जब मैं मैरिज फंक्शन से वापस आ रहा था तो रास्ते में मैं सर एक दुकान पर रुका, जीप का जो शोरूम है, जीप कंपस का, आपको शायद पता होगा, छन्नी हिम्मत जो है वहाँ पर मैं रुकता हूँ और मैं मैगी खरीदने के लिए जाता हूँ क्योंकि बच्चे कहते हैं कि पापा मेरे को मैगी खानी है, तो ठीक है हम बच्चों के लिए कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, आई तो ठीक है मैं मैगी ले लेता हूँ। तो मैं मैगी लेने गया, मैं अपने लिए, मैं कहा चलो जूस वगैरह ले लेते हैं, तो मैं मैगी चॉकलेट्स वगैरह लेने जा रहा था वहाँ पर। सर मैं जब वहाँ पर उस दुकान पर गया, सो आई डोंट नो देम, लाइक मेरा उनके साथ कोई लेना देना नहीं है। एक समय क्या टाइमिंग क्या रही सर? अप्रॉक्सीमेटली उस टाइम पे 12:15 का टाइम था। आप पार्टी से आ रहे थे? जी जी, मैं मैरिज फंक्शन से आ रहा था सर, क्योंकि आपको पता है मैरिज का सीज़न है, अब तो मतलब मैं वहाँ मैरिज से अपने घर की तरफ को जा रहा था। सो आई वॉज ऑल अलोन, तो मैं दुकान में जाता हूँ तो दुकान के अंदर ऑलरेडी कोई एक इंसान था, आई डोंट नो हिम कि कौन था वो कौन नहीं था, बट वो जो भी था वो बहुत ही एंटी सोशल टाइप का बंदा था। देखो सर आप किसी को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते अनलेस एंड अंटिल आपको पता ही कौन है कौन नहीं, आप एक अननोन स्ट्रेंजर है वो। हुआ सर ये कि जब मैं वहाँ पे अंदर एंटर करा तो एक शोल्डर टू शोल्डर हमारा एक हिट हुआ ड्यू टू एक छोटा सा नैरो पैसेज था वहाँ पे, रास्ता ही छोटा था तो लाइक उसमें मतलब मेरा कोई कसूर नहीं था या उनका भी हो सकता है ना हो, बट हुआ क्या सर हमारा शोल्डर टू शोल्डर जब वहाँ पे मतलब कि आपस में जब टकराया तो आई फील सॉरी, एक जिम्मेवार इंसान की तरह मैंने उनको सॉरी फील किया। मैं कहा सर आई एम सो सॉरी, मतलब ब्रदर मैं कहा सॉरी यार है ना। आफ्टर सेइंग सॉरी ही स्टार्टेड अब्यूजिंग एंड ही स्टार्टेड यूजिंग सम डेरोगेटरी रिमार्क्स एंड नॉट इवन दिस ही स्टार्टेड अब्यूजिंग मी सॉरी हिटिंग मी। उन्होंने मेरे ऊपर हाथापाई शुरू कर दी विच आई रेसिस्टेड जितना मैं रेसिस्ट कर सकता था। देखिए आई वॉज ऑल अलोन, जी सर मैं बिल्कुल ऑल अलोन था। मैं वहाँ पे मैं उनको रेजिस्ट करता हूँ, रेजिस्ट करने के बाद में इन द मीनवाइल विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ नॉट मोर देन 1.5 मिनट कुछ लड़के थे उनके साथ जो और भी थे वो आते हैं मेरे पास और वो क्या करते हैं वो उनके साथ मिलके मेरे पे अटैक कर देते हैं लाइक दे मतलब वो उन्होंने सबने सर वो अप्रॉक्सीमेटली 5 लड़के थे। अच्छा, वो एक ही गाड़ी में? सर एक ही गाड़ी मतलब बेसिकली एक इंसान जो अंदर था जो साथ में नियर बाई जो खड़े थे उनके दोस्त जो थे ये 5 लड़के थे। इन्होंने क्या किया सबने मिलके मेरे ऊपर जो है वो एक टाइप से धावा बोल दिया
अच्छा धावा बोलने के बाद क्या हुआ सर? मैंने मतलब किसी तरीके से मैं ऑब्वियसली बात है, देखो एक इंसान मतलब बंदा डर जाता है उस केस में। देखो अब देखो आप एक इंसान जो आपके सामने जिसको अपनी होश नहीं है खड़े होने की, वो बंदा आपके ऊपर सारे के सारे आपके ऊपर पड़ जाए तो आप क्या करोगे वहाँ पे? तो किसी तरीके से मैंने अपने आप को वहाँ पे रजिस्ट किया, बट मेरा जो है वो वहाँ पे चला नहीं। सिंस आई वॉज ऑल अलोन, उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेरे को सर वहाँ से पकड़ा, मेरे को मारा। मैंने अपनी वो रिकॉर्डिंग्स वगैरह सारी ली हुई है, जितना भी एविडेंस है वहाँ की, वो सीसीटीवी फुटेज भी आपने फुटेज निकाली। जी जी सर, मैंने वो सारी देखिए सर, देखो पता क्या चीज़ है, ऑन ग्राउंड आपके पास क्या मैटर वो करता है ना, वर्बली आपके पास क्या मैटर वो नहीं करता। देखिए आई एम एन एजुकेटेड गाय है ना, मेरे को पता है, मेरे को अपने नियम पता है। देखो बात ये है कि मैं हो सकता है कि देखो आज मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ या मैं एक यंग लाइक लड़का हूँ, मैं कई बंदे ऐसे होते होंगे जिनके साथ ऐसा कुछ हुआ होगा बेचारे, उन्होंने आज तक उन्होंने बोला नहीं होगा। पॉइंट ये है सर, उन्होंने मेरे को अपनी गाड़ी में अबडक्ट किया जबरदस्ती, उन्होंने मेरे को इलीगली डिटेन किया अपने पास पूरी रात। यस सर, और मैंने उनको बताया, मैंने कहा देखो आप जो कर रहे हो आप ये गलत कर रहे हो, बट सिंस दे वर नॉट इनटू देयर सेंसेस, उन्होंने क्या किया सर, उन्होंने मेरे को गाड़ी में डाला और मेरे को अपनी वो एक जगह पे लेके गए, आई थिंक वो बीरपुर एरिया पड़ता है शायद, वहाँ पे मेरे को वो लेके गए। उन्होंने मेरे को मेरे फोन्स उन्होंने स्नैच कर लिए, मेरे दो फोन थे, दोनों के दोनों उन्होंने मेरे से फ़ोन मेरे ले लिए, और जितनी भी मेरी मतलब जेब में जैसे कीज़ वगैरह ये सब, मैं ये झूठ कुछ नहीं बोलूँगा कि मेरा कुछ कैश, मैं कैश यूज़ करता ही नहीं हूँ सर बिल्कुल। तो हुआ क्या, इन्होंने मेरे वो सारा सामान ले लिया सो दैट मैं किसी को अप्रोच ना कर सकूँ, या मैं FIR या मतलब 100 नंबर पर कॉल ना करूँ, या मैं किसी अपने रिलेटिव को या अपने नियर डियर्स को कॉल ना कर सकूँ। आपकी गाड़ी कहाँ गई सर? मेरी गाड़ी वहीं पर खड़ी थी खड़ी। हाँ, बिकॉज मैं जब मैं सामान लेने गया, मैंने अपनी गाड़ी वहाँ पार्क की, मैं वहाँ पर गया बाई लाइक इट वॉज हार्डली अ डिस्टेंस ऑफ नॉट मोर देन 50 meters। तो मैं वहाँ से मैं जब मैं गया मेरी गाड़ी वहीं पर रह गई। इन्होंने मेरे को अपनी जबरदस्ती में डाल के ले गए, इन्होंने अपनी गाड़ी में ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो थी, इन्होंने मेरे को उसमें अबडक्ट किया और मेरे को लेके गए। मज़े की बात यह है और हैरानगी की बात यह है कि जब इन्होंने मेरे को अबडक्ट किया और जहाँ पर मेरे को ये लेके गए वीरपुर में, इनका कोई वहाँ पर एक अपना कोई ऑफिस था, मतलब उस ऑफिस में ये मेरे को लेके जाते हैं। उस ऑफिस में बकायदा इन्होंने मेरे को बिठाया और इन्होंने फिर दोबारा मेरे साथ जो है वो बदतमीजी करना शुरू करी। देखिए आप समझ सकते हैं ना, लाइक वहाँ पे मतलब एक उन्होंने फिर दोबारा मेरे साथ मारपीट करना शुरू करी। जब इन्होंने मेरे साथ दोबारा मारपीट करी, पांच के पांच साथ में थे सर, ये पांच तो सिर्फ वो थे ना जिन्होंने मेरे को अपडक्ट किया। अच्छा। मेन तो आगे हुई कहानी आगे वहाँ, यस वहाँ पे इनके जहाँ पे भी इनका जो लोकेशन थी जो इनकी, उस लोकेशन पे इनके पास देर वर मोर देन 20 to 25 पीपल्स। उन लोगों ने बहुत बदतमीजी से ट्रीट किया मेरे को और उन्होंने मेरे को इलीगली डिटेन किया, उन्होंने मेरे साथ हाथापाई की, उन्होंने मेरे को मारा भी वहाँ पे। मारने के बाद मैं वहाँ पे बैठा हूँ, इन्होंने मेरे को एक कमरे में बंद किया और ये मेरे साथ आ गए उस कमरे में। सर इन्होंने उस कमरे में एक तो ड्रग्स लिया और ड्रग्स लेने के बाद बारी बारी इन्होंने मेरे साथ बदतमीजी करी और मेरे ऊपर हाथ भी उठाया। मैं चिल्लाता रहा, मैं बोलता रहा, क्योंकि सिंस मैं वहाँ पे एक टाइप से मैं किडनैप था उस टाइम पे। मैंने वहाँ पे अपनी पूरी कोशिश की कि मैं इनको किसी तरीके से समझाऊं, बट सिंस वो अपने सेंसस में नहीं थे या जो भी था, इन्होंने क्या किया, इन्होंने मेरी वहाँ पे कोई भी नहीं सुनी। इन्होंने मेरे को सर पूरी रात ऑन द इंटरवीनिंग नाइट जो ये 29 जो कल की रात है, पूरी रात मेरे को वहाँ पे रखा। उसके बाद जाके अगले दिन दोपहर 1:30 बजे मैं वहाँ से किसी तरीके से मैं वहाँ से निकला। आज यस सर, मतलब ये है कि देखिए हम अगर किसी शहर में रह रहे हैं, हमारा शहर है जम्मू है ना, हमारे जम्मू शहर की लोग मिसालें देते हैं। मेरा पूरा का पूरा बैकग्राउंड, मैं आज जम्मू में नहीं आया हूँ, मैं लाइक 2016 में जम्मू में आया, मैं आई एम बॉर्न एंड ब्रॉड लाइक मैं जम्मू से ही हूँ। बट पॉइंट ये है कि मैं बाहर रहा हूँ, मैं चंडीगढ़ यूटी में रहा हूँ। यूटी का मतलब क्या होता है ना, मैं यूटी में रहा हूँ, वहाँ पे मैंने देखा है लाइक मतलब मेरे फादर भी जो है वो सोशल सर्विस है, मतलब एक सोशल सर्वेंट है, वो सोशल सर्विस वगैरह करते हैं, मतलब काफ़ी अच्छा हमारा मतलब एक बैकग्राउंड है। बट पॉइंट ये है सर, उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेरे को वहाँ पे रख के एक तो डिटेन किया वो गलत किया, और दूसरी बात दिन दिहाड़े या मतलब जब भी मतलब आप एक हाईवे पे जा रहे हो आप तो सेफ नहीं हो बिल्कुल। देखो इस टाइम पे मेरे अगर मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरे को इस टाइम पे क्या फील हो रहा है कि अगर मैं हूँ अगर ऐसे, अगर कोई और बंदा हो तो वो तो किसी को भी उठा सकते हैं ऐसे। दैट मीन्स कि वो बंदे इस तरीके के एविडेंस और जो इंसिडेंट्स जो हैं, इस तरीके के इंसिडेंट्स करने में वो ऑलरेडी मतलब वो कर रहे हैं ऐसे काम, 110% श्योर है। जिस तरीके का उनका बॉडी लैंग्वेज था, जिस तरीके का उनका अपना सिस्टम था, इन्होंने वो आगे भी किया होगा और मे बी शायद ये और भी किसी के साथ कर सकते हैं। मेरा पॉइंट सर ये है, मैं अपनी सर उसके बाद मैंने जो मेरा एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते से जब आप निकले, कैसे निकले, क्या आपको छोड़ा गया या आप खुद भागे वहाँ से, और आए कैसे आप यहाँ तक? सर मैं वहाँ से निकला बड़ी मुश्किल से, मैं वहाँ से निकला, वहाँ से बहुत मुश्किल से निकला मैं वहाँ से। मेरे को पता है कि मैं वहाँ से कैसे निकला हूँ। आप वहाँ से सर भागे नहीं है, मतलब मैं बड़ी मुश्किल से रिक्वेस्ट करके निकला हूँ वहाँ से। जी जी जी, मैंने उनको मतलब सिंस वो थोड़े होश में भी आ गए थे, फिर मैंने फील भी किया, मैंने उनको सॉरी जो भी था मतलब जैसे भी था मैंने, क्योंकि वहाँ से निकलना था। सिंस आई वॉज किडनैप्ड है ना, एक टाइप से किडनैप था मैं, और मैं अबडक्ट था उस टाइम पे।
अब मेरे को वहाँ पे देखो मैंने किस तरीके से निकलना, मैं वहाँ पे लड़ झगड़ के तो निकल नहीं सकता हूँ, क्योंकि वो तो ऑलरेडी वैसे हिस्ट्री शीटर्स हैं। इन्होंने क्या किया सर, वहाँ से जब मैं वहाँ से निकला, मेरा एक ही फ़र्ज़ बनता था, मैं सीधा आया, मैंने आके जो कंसर्निंग जो हमारा नियर बाई स्टेशन था, पुलिस स्टेशन जो छन्नी हिम्मत है, मैंने वहाँ पर रिपोर्ट किया, मैंने वहाँ पर अपना इंसिडेंट ब्रीफ। सर मैं यहाँ पर पहुँचा था कोई अराउंड 1:30 बजे के करीब, 1:30 बजे आप यहाँ? जी 1:30 बजे मैं यहाँ। रिटन कंप्लेंट कर दी? रिटन कंप्लेंट सर मैंने फाइल कर दिया, तो जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ हैं जो हमारी पुलिस की, इन्होंने जो FIR वगैरह थी वो मेरी रजिस्टर कर दी है, और इन्होंने मेरे को आश्वासन दिया है कि ये जो है हमारी कार्रवाई जो है वो हम डेफिनेटली जो है वो इसको करेंगे प्रोसीड। सर सेक्शंस के बारे में लाइक मेरे को इतना आइडिया नहीं है, बट आई थिंक जो भी अबडक्शन वगैरह की, जो मारपीट वगैरह की, इलीगली डिटेन करने की जो सेक्शंस लगती हैं वो लगाई हैं। अटेम्प्ट टू मर्डर सर मेरा मेडिकल पुलिस ने ही करवाया। जी साथ में गई कहां? जी पुलिस साथ में गई सर, मेरा ये गांधीनगर जो हमारा जो हॉस्पिटल है यहाँ पे गए, इन्होंने मेरा मेडिकल कराया, मेडिकल जो मैम वहाँ पे स्टाफ वगैरह। जी मेरा MLC हुआ सर, MLC तो मेरे को करवाना पड़ना था ना सर, तो मेरा वो MLC वगैरह किया हमने। MLC करने के बाद तो अब मैंने कहा, मैं कहा आई थॉट कि देखो मैं चाहता हूँ सर हमारा जम्मू एक इतना कहते हैं ना खंड मीठे, हम जो लोग डोगरे हैं ना, हम बड़े मीठे लोग यहाँ पे रहते हैं, बड़े ही अमन और शांति पसंदीदा लोग हैं हमारे डोगरे जितने भी हैं। पॉइंट ये है सर, आज जो जम्मू में हो रहा है मैं नहीं चाहता हूँ ये सब चीज़ें। देखो मैं एक जिम्मेवार नागरिक हूँ, मैं किसी को सर्विस दे रहा हूँ, यानी कि मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, मैं काम करता हूँ, लोगों के लिए काम करता हूँ, उनकी भलाई के लिए, या उनके जो काम होते हैं बेचारे मेरे पास रिपोर्ट करते हैं, तो हमारा एक होता ना कि जैसे हमारे हम किस किस तरीके के लोगों के साथ हमारा उठना बैठना मिलना जुड़ना है। बात ये है सर कि देखो अगर आज अगर मैं इस केस को आपके सामने अगर मैं रख रहा हूँ, वो मेरा पॉइंट सिर्फ और सिर्फ एक ही है सर। देखिए मैं ट्रस्ट करता हूँ अपनी जो भी हमारी जो पुलिस स्टेशन या जो भी हमारी जो पुलिस जो हमारी J&K पुलिस है, मैं उनके ऊपर ट्रस्ट करता हूँ, वो अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। सिर्फ और सिर्फ बात ये है कि आई वॉन्ट टू ब्रिंग दिस मैटर इन लाइट सो दैट कल को ये किसी के साथ ना हो। देखिए सर अगर हो सकता है अगर कल को ये कोई वीडियो देख रहा होगा, या ऑब्वियसली बात है देखो हमारे लोग देख ही रहोगे इसको, तो ये उनके लिए लाइक जो ऐसे काम करने की सोच सकते हैं उनके लिए भी एक सीख है कि ऐसा नहीं है कि कोई बंदा रिपोर्ट नहीं करेगा, कोई बंदा रिपोर्ट कर भी सकता है ना। तो मेरा आपके पास मीडिया के पास आने का माध्यम ये था कि देखिए हम एक जिम्मेवार लोग हैं और हम चाहते हैं कि हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी हमारी सेफ रहे, मतलब है ना, हम अगर किसी फैमिली के साथ, लेट सपोज कि मैं अगर अपनी फैमिली के साथ जा रहा होता या मैं अपने बीवी बच्चों के साथ जा रहा होता, तो वो आप समझ सकते हैं कि उस टाइम पे सिचुएशन क्या हो सकती थी। तो ये है कि चलो ठीक है, लाइक बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ऐसा कुछ हुआ नहीं, मैं अकेला ही था, तो चलो ठीक है जो भी हो, बट सर ये जो भी है, कल की मुलाकात से पहले क्या आप उन लोगों को जानते थे? नहीं 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 सर, नॉट एट ऑल, मेरा उन लोगों के साथ कोई, मैंने आपको बताया शुरू में ही, दे आर टोटली अननोन टू मी, मेरा और उनका एक बिल्कुल चैप्टर, बिल्कुल उनको नहीं जानते, नहीं जानता हूँ सर बिल्कुल। वो तो जस्ट ये था कि एक रास्ते में कोई आपको एक एंटी सोशल एलिमेंट मिला और आपका उसके साथ टकराव हो गया, मतलब मेरा वो मतलब केस था। तो अब ये है कि अब मैं सिर्फ मेरी मतलब जो इस टाइम पे मेरा जो कहने का, उनको यहाँ पे बुलाया, अरेस्ट किया या कोई जांच हुई अभी तक? सर अभी तक तो जो मतलब लाइक इन्होंने जो प्रोसीजर जो फर्स्ट लाइक जो फर्स्ट इंसिडेंट होता सॉरी जो अभी तक की जो कार्रवाई थी, जैसे FIR वगैरह रजिस्टर करनी थी या जो MLC बनाना था, वो सब ये कर चुके हैं। बट अभी ये कि नेक्स्ट मेरे को जो हमारे जो SHO साहब हैं यहाँ पे, उन्होंने आश्वासन दिया कि डोंट वरी, आप रिलैक्स रहिए, हम जो आपका केस जो है वो जल्दी से जल्दी हम इन बंदों को ट्रेस करेंगे और इनको आइडेंटिफाई करके डिटेन करेंगे। आप अभी तक घर भी गए हैं, अपनी फैमिली मेंबर से भी मिले हैं या सुबह से इधर थाने? नहीं नहीं सर, मैं अभी तक नहीं गया हूँ, मेरे नियर एंड डियर मेरे फ्रेंड्स हैं बेचारे जो मेरे साथ हैं इस टाइम पे, तो मैं इन्हीं के साथ हूँ फिलहाल। तो जब ये प्रोसेस, क्योंकि लंबा प्रोसेस था थोड़ा सा, देखो 1:30 बजे से आज 9 बज गए हैं, तो हम इसी काम मतलब सब में लगे थे, तो अब मतलब लेके मोस्ट प्रॉब्ली अब मैं अपने घर जाऊंगा। जी तो घर से फोन कॉल्स वगैरह भी आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं सर। तो देखो ऑब्वियसली बात है, अगर आप किसी तरीके से भी अगर आप अपने घर से या कहीं किसी के साथ आपका कम्युनिकेशन टूट जाता है, तो ऑब्वियसली बात है लाइक मैं उनको लाइक मैं बता चुका हूँ या जो भी है, वो मेरी बात हो गई घर पे, दैट्स नॉट एन इशू, वो ऑन द वे है हमारे पास आने के लिए। तो ये है कि बस मतलब जो मैटर जो मैं मतलब चाहता हूँ कि मैं आप इसको जम्मू की आवाम तक पहुँचाएँ और उनको ये हम बताएँ कि देखिए ऐसे जो केसेस या ऐसे जो कारनामे या ऐसे जो तरीके की जो इलीगल एक्टिविटीज़ हैं या इलीगल तरीके से जो ये काम जो हो रहे हैं, वो काम आगे फर्दर ना हो। जी चलें, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, थैंक यू सो मच सर। तो आप देख सकते हैं किस तरह के मामला जो है अब हमारे जम्मू में जो है वो सामने आ रहे हैं, और ये मामला जो है पुलिस स्टेशन छन्नी हिम्मत के अंतर्गत जो है वो सामने आया है। और अभी तक जो युवक हैं जिन्होंने इन पे हमला किया, जिन्होंने इनको किडनैप किया, जो CCTV फुटेज भी सामने आई है, अभी तक पुलिस ने जो है उनको अरेस्ट नहीं किया, हालांकि पुलिस जो है उनकी धरपकड़ में जो है वो लगी हुई है। आपकी इस सब पे क्या राय है, अभी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज़ अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।